में मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। मैं हूं तारिक। में तीन नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। सर नहीं झुकाया, जान दे दी। दहशतगर्दों के सामने डट जाने वाले एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम कराची धमाके में शहीद। गाड़ी पर हमले में दो साथी अहलकार भी जामे शहादत नोश कर गए, 13 जख्मी। क्या एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम पर हमला खुदकुश था? एसपी राजा उमर खत्ताब का कहना है कि लगता है बारूदी मवाद से भरी गाड़ी स्क्वाड से टकराई। कई पहलुओं पर तहकीकात जारी। एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम पर चौथी बार हमला हुआ। 2011 में हमले में उनका घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। आज ही चौधरी असलम ने तालिबान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। कलदम तहरीके तालिबान ने चौधरी असलम पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कलदम तंजीमें उन्हें अपना बड़ा दुश्मन करार देती थी। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि बहादुर अफसर चौधरी असलम की कुर्बानी रायगां नहीं जाएगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं चौधरी असलम बुजदिल तालिबान की धमकियों के बावजूद पीछे नहीं हटे। शर्जील मेमन का कहना है कि बुजदिलाना कार्रवाइयों से फोर्सेस डरने वाली नहीं। मुनव्वर हसन कहते हैं कत्लो गारतगरी की मजम्मत के सिवा चारा ही क्या है। एमकेएम का कहना है कि तालिबान से मुजाकरात का कोई जवाब बाकी नहीं। जमात इस्लामी समेत तमाम सियासी जमातें खुलकर सामने आई। और दुबई टेस्ट की पहली इनिंग्स में श्रीलंका ने 4 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए। पाकिस्तान पर 153 रन की बढ़तरी।